नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आज हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ा विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया पेड़ पौधों में संपन्न होती है और इस क्रिया के दौरान वो ऑक्सीजन हमें देते हैं। इस प्रक्रिया में आवश्यक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता रहती है, उसके बाद जल की आवश्यकता रहती है, उसके बाद क्लोरोफिल की आवश्यकता रहती है और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता रहती है। तो पेड़ पौधे ये सारी चीजें कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्रकाश। प्रकाश पेड़ पौधे सूर्य से प्राप्त करते हैं। जल पेड़ पौधे जड़ों द्वारा ग्रहण करते हैं। जड़े जल के अलावा आवश्यक खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है। ये खनिज लवण जड़ के माध्यम से फिर तनों के अंदर विशेष ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम ऊतक की सहायता से पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक खनिज लवण और जड़ को पहुंचाते हैं। उसके बाद आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, अर्थात पत्तियों का हरा रंग होने का कारण ही क्लोरोफिल है, अर्थात पर्ण हरित की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में सभी जीव जंतु जो भी श्वसन क्रिया करते हैं उस दौरान वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और यही कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों द्वारा वातावरण को शुद्ध करने के लिए तथा अपने भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अब इसे एक छोटी सी अभिक्रिया द्वारा समझ सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में पर्णहरित पाया जाता है। ये सभी क्रियाएं आपस में मिलकर या पदार्थ आपस में मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इसे पेड़ का चित्र बना करके हम समझ सकते हैं कि जैसे एक पेड़ है, उसमें जड़ों का कार्य है जल का और खनिज लवणों का अवशोषण। जल और खनिज लवणों का अवशोषण, इन खनिज लवणों और जल का पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य तने का होता है। तने के माध्यम से ही खनिज लवण और जल पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। फिर जल पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचने के बाद पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने का कार्य करती है, इसीलिए पत्तियों को पेड़ पौधों का रसोईघर कहा जाता है। सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसमें जल मिलता है। जल मिलने के बाद सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज अर्थात कार्बोहाइड्रेट के एक भाग है और फिर ऑक्सीजन निर्मित होती है और जल का निर्माण होता है। अब जो भी हमने पढ़ा था उससे संबंधित मैंने कुछ प्रश्न बनाए, तो आप इन प्रश्नों का उत्तर देना। सबसे पहला प्रश्न है, पत्तियों का हरा रंग होने का क्या कारण है? मैंने आपको बताया था पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है, तो उसका उत्तर आपको देना है। दूसरा प्रश्न है, पेड़ पौधों द्वारा अपना भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं या कैसे बनाते हैं, उस क्रिया को समझाना या बताना, आपको उसका नाम लिखना। तीसरा, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? आपको बता रखा है मैंने कि पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से पर्णहरित की वजह से होता है। इसी प्रकार एक इसमें धातु पाई जाती है, तो वो उस धातु का आपको नाम लिखना है। चौथा प्रश्न है, सात झाड़ी और वृक्ष, इन तीनों में अंतर देख बताना है। जो हमने पिछली कक्षाओं में